हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये है पल्सर 150 UG3 2008 मॉडल और इसमें हम ये वाले फॉग लैंप इंस्टॉल करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ये नया मॉडल आया है। ये हमें 800 रुपये की एक पेयर मिली और ये स्विच इंस्टॉल करेंगे। ये लोकल मार्केट से हमने 50 रुपये में ली। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्विच इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद वायरिंग करेंगे और उसके बाद फॉग लैंप इंस्टॉल करेंगे। हमने यहाँ पे स्विच लगा दी है और स्विच को उल्टा लगाया है क्योंकि घर में भी ऐसे ही स्विच होती है, नीचे ऑन और ऊपर ऑफ, इस वजह से लगाई है। अब हम वायरिंग करेंगे। अभी हमने दोनों फॉग लैंप्स फिक्स कर दिए हैं और इसमें इनबिल्ट क्लैंप आता है जो आराम से लेग गार्ड पे फिट हो जाता है और ज़्यादा आपको जुगाड़बाजी नहीं करनी पड़ती और फिनिशिंग भी इसका अच्छा लगता है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने फॉग लैंप के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। ये प्लेजर पे भी मैंने लगाए थे फॉग लैंप 2 साल पहले, वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ये वाले फॉग लैंप कुछ अलग लगते हैं इसलिए इसका वीडियो मैं बना रहा हूँ। और रात को इसका फोकस हम एडजस्ट करेंगे, अभी फ़िलहाल टेम्पररी लगाए हैं। इसके बाद अब हम करेंगे इसका वायरिंग। हमने यहाँ पे टेपिंग कर दिया है और वायर इसके नीचे की साइड है ताकि ये ख़राब ना हो। और इसका वायरिंग हम बहुत ही सिंपल करेंगे। ये है इग्निशन लॉक का वायर। चाबी ऑन करने पे ये जो रेड वायर है उसमें 12 वोल्ट डीसी का करंट आता है, वहाँ से हम लेंगे पॉजिटिव। और ये है हमारी स्विच के वायर, फॉग लैंप की स्विच के लिए वायर है, एक इसमें जाएगा और दूसरा यहाँ से फॉग लैंप के पॉजिटिव में जाएगा और नेगेटिव हम दे देंगे हॉर्न पे। ये है इग्निशन की का सॉकेट और चाबी ऑन करने पे ये वाले वायर में करंट आता है, यहाँ से हमने लिया है, और स्विच ऑन होने पर वहाँ से यहाँ पर आता है, फिर ये वायर लिया है और इसको हम पॉजिटिव में लगा देंगे। फिर से मैं आपको वायरिंग समझा देता हूँ। ये है इग्निशन की का सॉकेट, यहाँ से हमने पॉजिटिव लिया है जो स्विच में जाता है, और स्विच ऑन होने पर वहाँ से एक वायर यहाँ पे आता है जो ये है, और ये दोनों वायर हैं फॉग लैंप के, इसको हम अर्थिंग में लगा देंगे। अभी हमने दोनों फॉग लैंप लगा दिए हैं और रात का इंतज़ार है, अंधेरा होने के बाद देखेंगे इसका रिज़ल्ट कैसा है। अभी देखिए इसका रिज़ल्ट। और ये इतने ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पे हाथ रखने पर भी हाथ पे गर्मी लगती है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसीलिए इसकी बॉडी एल्यूमिनियम से बनी हुई है।